तो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हमारे पास है सुजुकी की न्यू बाइक, जिसके अंदर न्यू बाइक तो क्या मॉडिफिकेशन वाली बाइक, जिसके अंदर अरे यार मतलब ऑफ रोडिंग की बाइक बना रखी है। तुम देख सकते हो बैकग्राउंड टायर इसके, फ्रंट टायर, और देख सकते हो मरघाट कितना शानदार लग रहा है। तो आज इसी का रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने से पहले सबसे पहले तुम ये कर लो, तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, और आपके एक सब्सक्राइब से यार बाइक को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये कर लिया होगा तुमने, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लिया। तो इसका रिव्यू करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर लिया है सुजुकी का इंजन। इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ से टैंक लीकेज है, तो अभी हम फ्यूल भरा क्या है देख सकते हो, फ्यूल सारा नीचे गिर चुका है। तो मतलब कि इसके अंदर एक से अभी, क्योंकि आग भी लग सकती है वहाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ खड़ा कर रखा है पत्थर पे। तो क्या हुआ कि ये है ना 2-3 महीने से पड़ी हुई है, इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया, तो इसके अंदर थोड़ी खराबी हो रही है। तो इसके अंदर देख सकते हो पीछे तो ले लिया है, इतना जोरदार वाला टायर यार तुम देख सकते हो, ऑफ रेडिंग ठीक है। और यहाँ ले ली LED लाइट ठीक है, और सीट को पूरा वहाँ से मॉडिफाई कर दिया। और जब मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ था तो इसको बैठने में दिक्कत हो रही थी कि सीट थोड़ी छोटी है, सिंगल सीट ही है ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं साइलेंसर की। साइलेंसर की आवाज़ इतनी प्यारी है क्योंकि ये ओल्ड वाला है, जो कि सुजुकी और यामाहा में आता था ठीक है। ये रहा सुजुकी का इंजन पूरा, तुम देख सकते हो ठीक है, यहाँ से स्टिकर लगा रखा है भाई ना, हटा, ये देख सकते हो सुजुकी लिख रखा है अंदर, और ऐसे चिपका दिया मैंने ठीक है। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो कितना शानदार, मतलब कलर ग्रेडिंग सब अच्छा कर रखा है। बस यहाँ से यार लीकेज हो गई, यहाँ पर तुम देख सकते हो यार कलर करके यहाँ से यूँ ग्राफिक बना के ये लगा रखा है, बहुत शानदार लग रहा है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर रखा है, जो कि बहुत शानदार है ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो तुम फ्रंट में भी ऑफ रोडिंग का टायर लगा रखा है यहाँ पे पूरा ठीक है, और यहाँ लगा रखा है ऑफ रोडिंग का है ना मरघाट लगा रखा है, जो कि बहुत शानदार लग रहा है तुम देख सकते हो। और यहाँ LED लाइटें दे दी यहाँ पे, ये इंडिकेटर LED वाले, और फ्रंट में दे दिया LED हेडलैम्प, ये देख सकते हो DRL के साथ तुम देख सकते हो ये वाला। इसके अंदर मीटर लिया है, मीटर बजाज का लिया है सिंपल वाला, जो कि ओरिजिनल कंपनी का था बजाज डिस्कवर में, तो मेरी गाड़ी में भी यही लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम क्लच वाला ये और यहाँ का ब्रेक वाला दोनों सिल्वर ले रखे, जो कि बहुत शानदार लग रहा है। और हैंडल नॉर्मल वाला रह रखा है ठीक है, जो कि बहुत शानदार लुकिंग आ रही है। और यहाँ से तुम देख सकते हो ये ओरिजिनल वाली है, ये देख सकते हो यहाँ से बांध रखा है ये, और ये नट खुल चुका है बोल्ट ठीक है, तो पूरा ये ओरिजिनल वाला ही है ठीक है। इसके अंदर और बता दूँ तुम्हें, अब तुम्हें बता दूँ यहाँ से तुम देख सकते हो ये वाला मरघाट कितना शानदार यहाँ से मॉडिफाई किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से लुकिंग देख सकते हो तुम ठीक है। अब गाड़ी की लुकिंग देख लो यार, एक नंबर लग रही या नहीं लग रही तुम खुद बताओ। हाँ मतलब टायर वायर सब एक नंबर लग रहे हैं ठीक है। और हैंडल देख लो यार, हैंडल तो एक नंबर। और यहाँ से ये स्टार्ट करने वाले ये वाले स्विच लगाए, जो कि पल्सर के आते हैं, और यहाँ पल्सर के अंदर लाइटें भी लगती इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और यहाँ से तुम देख सकते हो स्विच भी सारे पल्सर के यूज़ किए, वरना लॉक सिस्टम तो नॉर्मल सुजुकी का ही है। वरना यार मॉडिफिकेशन में तुम्हें कैसी लगी तुम खुद बताओ। और यहाँ पर जो लॉक है, लॉक तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लॉक है ना यहाँ दे दिया है, यहाँ नहीं दिया है ठीक है। लॉकिंग सिस्टम ओल्ड फैशन वाला ही है इसके अंदर, वरना मीटर भी चालू, सब कुछ चालू है इसके अंदर, वर्किंग कंडीशन में है। खाली यहाँ से टैंक लीकेज हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है थोड़ी, वरना तुम देख सकते हो यार कितनी शानदार लग रही है यार। हाँ और ये बहुत पुराना मॉडल है, इसके गाड़ी नंबर तुम दोगे देख सकते हो ये कितनी पुरानी यार, गाड़ी नंबर देखो तुम कितनी पुरानी है ठीक है ना। अब तुम देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रही है। अलॉय व्हील नहीं यूज़ किए इसके अंदर, जाली वाले यूज़ किए, जो कि ऑफ रोडिंग में ज़्यादा काम आएंगे, अलॉय व्हील टूट जाते हैं ठीक है। जाली अगर ये एक टूटेगा तो खाली कम खर्चा आएगा, पर पूरा अलॉय व्हील टूटता है तो ऑफ रोडिंग में दिक्कत होती है, वरना ये देख सकते हो पूरा टायर यार एक नंबर। इसके अंदर गियर का सिस्टम होता है, गियर वाला देख सकते हो यहाँ से इन्होंने काट के, और ये सिंगल गियर जो कि है ना स्पोर्ट बाइक में आता है, तो इसके अंदर क्या होता है 5-4 गियर है, चारों पीछे गिरते हैं ठीक है ना, मतलब चारों आगे गिरते हैं और पीछे न्यूट्रल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरे को एक नंबर लग रही है यार, तुम्हें कैसी लग रही कमेंट करो यार। इसको चला के भी तुम्हें बता देते हैं कैसे चलने में है ये, मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, जो कि अभी तुम्हें इस वीडियो में देख लेना।
देख लिया इस गाड़ी में कितनी सारी पावर है यार, मुझे तो बहुत पसंद आई, तुम्हें कैसी लगी? तो तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तुम्हें कैसी लग रही है लुकिंग में यार, यार सुजुकी मतलब सुजुकी की बाइक है वो शानदार लग रही है। और चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।